राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी क्या निकाली। मानो कांग्रेस ही नहीं बीजेपी में भी भूचाल मचा हो। भूचाल इसलिए क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में लाल डायरी वाला हथियार भी बीजेपी के पास तैयार है, जिसको लेकर बीजेपी ने मंगलवार को भीलवाड़ा में जिला कांग्रेस कार्यालय की दीवार पर लाल डायरी कहा मिलेगी नाथी तेरे बाड़े में जैसे स्लोगन लिख कर सरकार से जवाब मांगा है और लाल डायरी में लिखे शब्दों की सच्चाई जानने की सरकार से मांग कर डाली है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी है। जहां बीजेपी युवा मोर्चा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हर कांग्रेस के राजनेता और मंत्री के घर की दीवार पर लाल डायरी की सच्चाई जानने को लेकर स्लोगन लिखे जाएंगे। जिस तरह कल विधानसभा के अंदर एक मंत्री के ऊपर हमला मानी है या लाल डायरी जो थी उनके पास जो सबूत थे जिसमें वो बोल रहे हैं कि 500 करोड़ के घोटाले का हिसाब उसके अंदर था, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा वो डायरी छीना झपटी की गई, उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भीलवाड़ा ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर लिखित में यह बताया है कि यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने मुख्यमंत्री से यह मांग करें कि उस लाल डायरी में क्या था उसको उजागर करें। आज हमने कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये लिखा है और आवश्यकता पड़ी तो हर दीवार पर, कांग्रेस की दीवार पर और हर मंत्री के घर के बाहर, हर कांग्रेस के नेता के घर के बाहर ये लिख के आएंगे कि उस लाल डायरी के अंदर क्या है। क्या लिखा आज आपने? आज हमने वहाँ लिखा है कि लाल डायरी कहाँ मिलेगी नाथी तेरे बाड़े में। उसमें भी साहब यही था कि आपके द्वारा भी उस मुद्दे को बहुत उठाया गया कि रीड का पेपर कहाँ मिलेगा नाथी तेरे बाड़े में, तो उस समय जो पेपर लीक हो गया 18-18, 19-19 पेपर का लीक होना और आज तक वो कार्रवाई नहीं होना और फिर इस 500 करोड़ की डायरी का घोटाला सामने आना, उसको दबाना, कांग्रेस क्या चाहती है जनता से, राजस्थान की जनता से, इसका जवाब राजस्थान जनता चाहती है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि जिस तरह सोमवार को विधानसभा के अंदर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के ऊपर लाल डायरी को लेकर कांग्रेस पार्टी के राजनेता हमलावर हुए, जिसमें पूर्व मंत्री ने सरकार पर आरोप लगाते हुए करोड़ों रुपए घोटाले का जिक्र लाल डायरी में होना बताया था। इस स्लोगन को पढ़कर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करें कि आखिर उस लाल डायरी में क्या लिखा है। अगर लाल डायरी का सच सामने आएगा तो जनता को पता चल जाएगा बीजेपी युवा मोर्चा ने लाल डायरी की सच्चाई जानने के लिए कांग्रेस कार्यालय की दीवार पर लाल डायरी कहाँ मिलेगी नाथी तेरे बाड़े में जैसा स्लोगन लिखा है और कहा आवश्यकता पड़ेगी तो हम आगे हर कांग्रेस के कार्यालय की दीवार, राजनेता और मंत्री के घर के बाहर यही स्लोगन लिखेंगे जिससे लाल डायरी के अंदर का सच जनता के सामने आए। चुनाव सर पर है, ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लाल डायरी को लेकर किस पर आ जाएगी। क्या लाल डायरी की वजह से गहलोत सरकार को चुनावों में बड़ा नुकसान होगा या फिर गुढ़ा महज सिर्फ माहौल बना रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया कि लाल डायरी में कई ऐसे राज दफन हैं जिससे कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मामले को मुद्दा बनाकर गहलोत सरकार पर हमलावर है। राजेंद्र राठौड़ से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया ने इस लाल डायरी को लेकर गहलोत सरकार को जमकर घेरा है। राजस्थान तक के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट।